अच्छा अच्छा ज़्यादा अटेंशन ना दो यार, अब अगर मैंने हक दिया ना यहाँ पे, मेरे ऊपर जूते चप्पल है जो भी तुम खा रहे फेंकना मत, ये भाड़े का है, ये तुम्हारी तरह नहीं है, सूट बूट पहन के आगे आज। और ये क्या क्या क्या, ये कौन सी शायरियाँ कर रहे हो तुम, तुम्हें लग रहे हैं हंसी आ रही है इनको? भाई हम वहाँ बैठ कर सोच रहे हैं ये जोक मार रहे हैं यार, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इन्होंने कल बैठ के ना आराम से मीम चेकआउट किया फेसबुक पे, उसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी डाल दी, चल भाई बन गई स्क्रिप्ट। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था यार, आज तो ठंड नहीं है, पर वैसे एक बात तो है, लड़कियों को ठंड नहीं लगती ना, इनको ग्लैमर दिखाना है, वो क्या है गाने में चलता है, हाई हाई लाइट करा दे मेरे काले बाल वे। तो भाई मुझे तो कभी कभी लगता है यार, वो घोड़े की वो पूंछ नहीं होती, वो गोल्डन सी लगती है, वो कहीं कहीं वो वाली फील दे रही होती है मेरे को। नहीं बात है सही बताओ यार, है कि नहीं है, मान रहे हो तुम? फिर अपने लौंडे कौन से कम हैं, लौंडे कौन से कम हैं, उनको तो वो ग्लैमर देखना है कि नहीं, उन्हीं को तो नहीं, लौंडों का ना कूल दिखने का ये नहीं होता, उनके लिए तो पूरे कॉलेज का जो सेमेस्टर होता है उसमें दो जीन्स को अदला बदली कर करके पहन रहे होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और इनका मेन पता क्या होता है, वो जो शो वाला बुलेट, बुलेट भी नहीं बुलेट, एक तो पहले कह दो ना यार तुमने बुलेट कहाँ से ली, कहा बुलेट मत बोल, मशीन है ये मशीन, मैं कहा टर्मिनेटर क्यों लिया ये बता दे भाई, भाई बुलेट को लेके ज़्यादा खुद नहाए ना नहाए, उसको तो रोज कपड़ा अच्छा सा घिस देंगे घिस, ठीक है। और ज़्यादातर लौंडे ना बुलेट इसलिए लेते हैं, सपने होते हैं लेह लद्दाख जाएंगे, मतलब वो जो फील होती है, अब गंगानगर से लेह लद्दाख का रास्ता 2000 किलोमीटर, आई मीन सॉरी 1100 किलोमीटर, आने का भी 1100 किलोमीटर है, तो रास्ते में उसकी जो पिछवाड़े का परखच्चा उड़ जाता है उसका कौन देखता है, कोई नहीं देखता। उसके बाद नहीं सच है, लेकिन बुलेट के लिए बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा बुलेट वाले कितने हैं, हाथ खड़े कर दो, गैंग है ना तुम्हारी। अच्छा अभिषेक इनसे थोड़ा साइड होके जाना है आज, कुछ पता नहीं है मेरे को। और अच्छा लड़कियां पहले जोक पे अगर थोड़ा ऑफेंड हो गई हो तो आई एम नॉट सॉरी, हो जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ही नहीं है, सत्य वो सत्य सत्य है, ये सत्य वचन है। अब आते हैं कूल होने के लिए ना, आजकल जीन्स वो जो आ गई है ना, वो कौन सी तुम क्या वो फटे 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 लीरे पट्टे क्या होते हैं वो बॉयफ्रेंड जीन्स, ये क्या है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला रखे भाई तुमने, है ये ऐसी जीन्स तो मैं घर में खुद लूँ अभी चाकू और काट काट के बना लूँ बैठ मुझे समझ आता है फैशन है कि बढ़ता है, बढ़ता बना रखे इन्होंने अपना। और मैं वो पहले पीछे अपने 2012-13 में वो चला था जो जो हनी सिंह, उसमें वो जो बाल ऐसे वो कांटे वर्ग होते ना, मतलब बूढ़े तो दूर हो जाते भाई, मतलब भाई साहब हमारी क्लास में एक बच्चा था वो ऐसे रोज बाल कर रहे सट्टे लगते ना सट्टे, मक्खी आज मरेगी मक्खी निकलेगी इसके बालों से आज, भाई वो ऐसे हाथ लगाता था खत्म कहानी। मतलब मेरी कहानी होती है यार, ऐसे भी सही देख रहे हो, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। फिर आते हैं हम क्या सुनोगे यार तुम, इन्होंने इतनी घड़िया कॉमेडी कर दिया ना मेरा मूड खराब हो गया, कि मैंने चलो कर देते थोड़ा सा रिफ्रेश, है ना। आज तुमने ध्यान दिया कॉलेज में आते हैं तो वो गोल्ड मेडल्स वाले स्तंभ लगे हुए हैं, तो उसमें सारी लड़कियाँ ही हैं, मतलब सही बता रहा हूँ, मैं ढूंढता रहा भाई कहीं छुपा के रख दिया होगा लड़के का कुछ, है ना भाई लड़कियाँ ही हैं। अब ये मैं बताता हूँ तुम्हें, क्या लड़का लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती है, हैं सही बताओ ना भाई, वो कोई नहीं देखता उसके पीछे कितने लड़कों ने मेहनत की होगी उसके टॉप होने के लिए, ये सही बता रहा हूँ। लड़के यही लड़कियाँ यही लड़कियाँ ना पूरे सेमेस्टर में घुमाती रहती, बाबू शोना रात रात तक है, फिर उसके बाद गाने आते हैं और कुड़ी छट के चली गई कनेडा, यही आते हैं। नहीं जो सत्य है वो सत्य है, तुम बदल नहीं सकते इस बात को, हमारे बॉयज बेचारे घूमते रहते हैं, फिर या तो वो कोई पंजाबी गाने में आ जाते हैं उसी लड़की को पिन पॉइंट करते रहते हैं, चालू तो होती हैं लड़कियाँ, होती है कि नहीं होती है, सही बात है, बेचारे भोले रह जाते हैं हमारे मुंडे इतने वो घूमते रह जाते हैं। और अब बात करते हैं यार, मैंने देखा यार कॉलेज में जो अमीर बंदा होता है ना, मतलब अमीरी जिसकी होती है उसकी प्रॉब्लम सारी पैसों से सोल्व हो जाती है, हम बेचारे मिडिल क्लास है ना। अब मेरा एक दोस्त था उसने अपनी ऑडी ठोक दी, तो उसके पापा जी ने उसे एक लोरा दे दी, स्कोडा लोरा। मैंने अपनी ऑडी एक्टिवा ठोकी, मेरे बाप ने दो चीज़ें दी, लोरा और एक लस्सन। आई थिंक कुछ टीचर्स को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
Is there something kitchen joke going on? Is there kitchen joke? No, that's not a kitchen joke. That's some intellectual joke. You won't understand. ये सर समझ चुके हैं. अब आते हैं मेकअप पे लड़कियों के. अच्छा ये ना 50-40 किलो की लड़की है कि 150 किलो का मेकअप लगा होगा. मेरे को समझ नहीं आता ये जो तुम ये रोज वो फेयर एंड लवली आती है, फेयर एंड लवली की तुम्हें ऐड से ना लड़की अपने आप को वहाँ देखने लग जाती है. मुझे ये नहीं समझ आता इनको लगता है कि गुलाब जामुन में कितनी रबड़ी डाल दो वो रसगुल्ला थोड़ी ना बन के निकल आएगा. अब रहेगा तो गुलाब जामुन ही है. सही बात. ओके गाइस, इट वाज ऑल फॉर मी. यू वर टू गुड टुडे. हे गाइस, आई होप यू लव द वीडियो. पता है घटिया कॉमेडी थी, फिर भी अच्छा लगा ही होगा. तो अच्छी लगी तो गरीबों वाली लाइन फिर दोहराने जा रहा हूँ. लाइक कर दो इस बार तो. अबे बस करो यार, शेयर क्यों नहीं करते. हाँ भाई, तेरे को सपोर्ट है, कर देंगे तो करो भाई. कब करोगे? अब करो, अब जहाँ मिले वहाँ ठोको लिंक को. और सब्सक्राइब, जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू लाफ्टर इन टेराबाइट्स. और कमेंट कर दो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी, बुरी लगी, आई होप नहीं लगी होगी, लगी तो कर देना. और इसके अलावा नई वीडियो जल्द ही आएगी. तब तक स्टे ट्यून्ड LITB.